हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सऊदी अरब का स्वागत करते हैं। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, विशेष रूप से वाटर डिसेलिनेशन और स्वास्थ्य के लिए हमारे सहयोग का एक और आयाम होंगे। विशेषकर अपने स्ट्रेटेजिक वातावरण के संदर्भ में हमने आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने और उसका विस्तार करने पर भी सफल चर्चा की है। पिछले साल भारत सऊदी अरब में प्रतिष्ठित जनाद्रिया समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर था। आज हमने अपने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने हेतु सऊदी अरब के नागरिकों के लिए ई वीजा का विस्तार किया जा रहा है। भारतीयों के लिए हज कोटे में वृद्धि के लिए हम हिज मैजेस्टी और रॉयल हाईनेस के बहुत बहुत आभारी हैं। 2.7 मिलियन भारतीय नागरिकों की सऊदी अरब में शांतिपूर्ण और उपयोगी उपस्थिति हमारे बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रॉयल हाईनेस ने सऊदी अरब की प्रगति में उनके सकारात्मक योगदान की प्रशंसा की है। आपने हमेशा उनकी भलाई का ख्याल रखा है, इसके लिए उनका आभार और दुआएं हमेशा हमेशा आपके साथ है। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से दुनिया पर छाए कहर की एक और क्रूर निशानी है। इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाफ सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है, ताकि हिंसा और आतंक की ताकतें हमारे युवाओं को गुमराह न कर सके। मुझे खुशी है कि सऊदी अरब और भारत इस बारे में साझा विचार रखते हैं। फ्रेंड्स, पश्चिम एशिया और खाड़ी में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में हमारे दोनों देशों के साझा हित है। आज हमारी बातचीत में इस क्षेत्र में हमारे कार्यों में तालमेल लाने और हमारी भागीदारी को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति हुई है। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि काउंटर टेररिज्म, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में और मजबूत द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशों के लिए लाभप्रद होंगे।